और अम्बाला में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री निर्मल सिंह की अध्यक्षता में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हाथों में विज विरोधी तख्तियां लेकर अम्बाला छावनी के बाजारों में रोष मार्च निकालकर विज का पुतला फूंका। हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनेताओं की जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। आज अम्बाला में कांग्रेस के पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के खिलाफ प्रदर्शन किया और बाजारों में रोष मार्च निकालकर विज का पुतला फूंका। इस दौरान निर्मल सिंह ने अनिल विज पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का आरोप लगाया, जिसको अनिल विज ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि कुछ लोगों के पास कार्यकर्ता ही गैर कानूनी काम करने वाले हैं, जिन पर प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। इस दौरान निर्मल सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने के लिए उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। उन पर भी यमुनानगर में मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें वो बेल पर बाहर हैं और मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसके विरोध में आज वो विज के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। कारण इसका है कि इन्होंने बहुत से झूठे मुकदमे कांग्रेसियों पर उनको दबाने डराने के लिए किए हैं। हमने हमेशा विरोध किया है। आपको पता ही है कि इन्होंने मेरे पर और मेरे साथियों पर पहले भी कबाड़ी बाजार में जो है मुकदमा रजिस्टर किया था, वो कोर्ट से बरी हो चुके हैं। फिर इसने ही मेरे पे मुकदमा रजिस्टर कराया डकैती का यमुनानगर में, उसमें मैं जो है बेल पे हूँ और कोर्ट में वो मुकदमा है। इसी तरह इसने यहाँ पर बहुत से लोगों के खिलाफ मुकदमे रजिस्टर कराए हैं, जो हमने प्रशासन के नोटिस में यदा कदा लेके आते रहे हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद इस मामले में जब हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी किसी के खिलाफ द्वेष की भावना से काम नहीं करती, लेकिन कुछ लोगों के पास कार्यकर्ता ही ऐसे हैं जो गैर कानूनी कामों में संलिप्त रहते हैं, तो प्रशासन अपना काम करता है। विज ने साफ साफ कहा कि अगर कोई किसी पार्टी से जुड़ा है और सिर्फ इसलिए उस पर कोई कार्रवाई ना हो तो ये नहीं हो सकता। नहीं, बीजेपी कभी किसी के खिलाफ द्वेष की भावना से कार्रवाई नहीं करती। अब कुछ लोगों के पास कार्यकर्ता ही ऐसे हैं कि जो गैर कानूनी कामों में संलिप्त रहते हैं, तो प्रशासन अपना काम करता है। अब कोई ये कहे कि भाई वो किस पार्टी का कार्यकर्ता है और उस कारण उसके ऊपर कार्रवाई ना करे, ये तो नहीं हो सकता। एक तरफ जहां पूर्व मंत्री निर्मल सिंह विज पर उन्हें बेवजह फंसाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं विज उनके सारे आरोपों को साफ तौर पर खारिज कर रहे हैं। विज का कहना है कि जो भी इंसान गैर कानूनी काम करेगा, उस पर निश्चित तौर से कार्यवाही की जाएगी, फिर चाहे वो पक्ष का कोई कार्यक हो या फिर विपक्ष का कोई नेता। अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट, टोटल न्यूज।